Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't... दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील नाडकर स्वागत करता हूँ आपका और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ और ही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं दो व्हीकल में कि वो कौन सी गाड़ी सीएनजी मिले। मेरे राइट साइड में है मारुति सुजुकी की वैगनार एलेक्सा ऑप्शनल और मेरे लेफ्ट साइड में है हुंडई की ग्रैंड आइटेनियोस स्पोर्ट सीएनजी। तो ये कंपैरिजन करने का कुछ एक मोटो है कि बहुत सारे लोग मुझे YouTube पे, सोशल मीडिया पे या फिर WhatsApp करके पूछते हैं कि भाई मैं वैगनर लूँ या ग्रैंड आइटेन नियोस लूँ। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको एट द एंड वर्डिक्ट में बताऊंगा कि आप ये दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी आपके लिए सिलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो रहने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रंट लुक के बारे में। दोनों का फ्रंट लुक का डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा है। जो वैगनार सीएनजी है उसमें आपको बड़े हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं कंपेयर टू ग्रैंड आइटेनियोस, लेकिन जो प्लस पॉइंट ग्रैंड आइटेनियोस का है वो है प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स, जो कि वैगनार सीएनजी में आपको प्रोजेक्टर या फिर नॉर्मल फॉग लैम्प्स भी देखने को नहीं मिलते। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। वैगनार सीएनजी में आपको DRLs भी नहीं मिलते, लेकिन ग्रैंड आइटेनियोस स्पोर्ट सीएनजी में आपको DRLs देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये है वैगनार सीएनजी का इंजन कंपार्टमेंट। इसमें आपको K10B पेट्रोल इंजन मिलता है और 1000cc का ये इंजन है। ये जो इंजन सीएनजी भी प्रोड्यूस करता है 58 BHP पावर एंड 1778 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये 3-सिलेंडर इंजन है गाइज, और जो ये इंजन है गियर बॉक्स है वो 5-स्पीड है और फ्रंट व्हील ड्राइव आपको ये वैगनार देखने को मिलती है। ग्रैंड आइटेनियोस स्पोर्ट सीएनजी का इंजन कंपार्टमेंट, ये आपको 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है। जो इसकी कैपेसिटी है वो 1200cc की है और ये सीएनजी के ऊपर 68 BHP पावर प्रोड्यूस करती है एंड 95 न्यूटन मीटर टॉर्क है। ये 4-सिलेंडर इंजन है, इसकी वजह से ये ज़्यादा रिफाइंड है, और वो वैगनार का इंजन है वो 3-सिलेंडर है, और उसकी वजह से जो रिफाइनमेंट लेवल में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली ग्रैंड आइटेनियोस आगे चली जाती है। लेकिन गाइज, अगर माइलेज की बात की जाए तो जो ग्रैंड आइटेनियोस है वो आपको 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देती है, और जो वैगनार है वो आपको लगभग 32.5 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देती है। सो माइलेज के हिसाब में वैगनार सीएनजी ग्रैंड आइटेनियोस के आगे चली जाती है। अगर हम बात करें हाईवे के ऊपर तो ग्रैंड आइटेनियोस आपको 30 तक माइलेज दे पाती है और वैगनार है वो लगभग 35 तक चली जाती है। दोनों का साइड व्यू, ग्रैंड आइटेनियोस एंड वैगनार सीएनजी, आप ही खुद ही देख सकते हो कि दोनों साइड से कैसी दिखने में है। जो वैगनार है वो थोड़ी बॉक्स टाइप डिज़ाइन में है और जो ग्रैंड आइटेनियोस है वो थोड़ी सीधा टाइप में है। तो डाइमेंशंस की बात की जाए तो जो लेंथ है नियोस की वो है 3805 mm और जो वैगनार की लेंथ है वो 3655 mm। सो अगर विड्थ की बात की जाए तो नियोस का विड्थ है 1680 mm और वैगनार का विड्थ है 1620। सो विड्थ के मामले भी वैगनार बहुत ही नियोस से बड़ी है। हाइट अगर बात की जाए तो हाइट नियोस की है 1520 mm एंड वैगनार की हाइट है 1675 mm। अगर व्हील बेस की बात की जाए तो यहाँ वैगनार को ग्रैंड आइटेनियोस पछाड़ देती है। ग्रैंड आइटेनियोस का व्हील बेस है 2450 mm एंड वैगनार का है 2435 mm। आइटेनियोस में जो इंडिकेटर्स है आपको विंग मिरर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, और जो
वैगनर सीएनजी है उसके इंडिकेटर्स आपको फेंडर के ऊपर देखने को मिलेंगे। ग्रैब हैंडल की बात की जाए तो जो ग्रैब हैंडल्स है वो ब्लैक कलर में आपको वैगनर में देखने को मिलेंगे और ग्रैंड 18 नियोस में आपको बॉडी कलर्ड ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे। ये जो शेप है वो ग्रैंड 18 नियोस का काफ़ी अच्छा है और जो वैगनर का शेप है वो ठीक ठाक है वो प्राइस के हिसाब से। सो वैगनर में आपको गाइस 155/80 R13 के टायर्स देखने को मिलेंगे और ग्रैंड 18 में आपको 165/70 R14 के टायर्स देखने को मिलेंगे। ग्रैंड 18 में आपको एलॉयज मिल जाते हैं और वैगनर में आपको स्टील रिम्स मिल जाते हैं। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस ये दोनों में। ग्रैंड 18 नियोस में आपको रूफ रेल्स ब्लैक कलर्ड में रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं और वैगनर में आपको रिफ्रेल्स नहीं मिल जाते गाइस। सो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो रिफ्रेल्स की वजह से ग्रैंड 18 नियोस बहुत अच्छी लगती है। अगर आप बाहर से रिफ्रेल्स वैगनर में इंस्टॉल करोगे वो भी बहुत स्पोर्टी दिखने वाली है। सो दोस्तों ये है दोनों गाड़ियों का रियर लुक। अगर आप वैगनर देखोगे तो आपको बड़ी लगेगी डेफिनेटली और जो आपको नियोस है वो छोटी लगेगी। वैगनर में आपको रियर में देखने को मिलता है वर्टिकल शेप्ड टेल लैम्प्स रिफ्लेक्टर्स भी है और जो नियोस में है आपको सर्कुलर शेप्ड टेल लैम्प्स मिलते हैं और रिफ्लेक्टर भी आपको मिलेंगे। अगर नियोस की बात की जाए तो आपको वहाँ स्पॉयलर मिल जाता है लेकिन वैगनर में आपको स्पॉयलर नहीं मिलता, आपको वो बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। वैगनर में आपको स्किड प्लेट नहीं मिलती लेकिन ग्रैंड 18 नियोस में आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। ग्रैंड 18 नियोस में आपको कंपनी फिटेड रियर कैमरा मिल जाता है विदाउट गाइडलाइंस, लेकिन अगर बात कीजिए वैगनर की तो आपको उसमें रियर का कैमरा नहीं मिलता, वो आपको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। ग्रैंड 18 नियोस का शार्क फिन एंटीना वो आपको इसमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर वैगनर की बात की जाए तो इसमें आपको रेगुलर एंटीना देखने को मिल जाएगा। ग्रैंड 18 नियोस में गाइस आपको डीफॉगर देखने को मिल जाएंगे लेकिन वैगनर में आपको डीफॉगर्स अवेलेबल नहीं है। ओके सो ये भी एक डिफरेंस है। सो दोस्तों ये दोनों गाड़ियों में मेजर डिफरेंस है इसके बूट स्पेस के मामले में। ओके जो ग्रैंड 18 नियोस है इसमें आपको 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये गाड़ी में बूट स्पेस ना के बराबर है क्योंकि ये जो सिलेंडर है वो पूरी तरह से बूट स्पेस को कैप्चर कर लेता है। आप इसमें खाली 2 या 3 लैपटॉप बैग रख सकते हो। ग्रैंड 18 नियोस में है आपको स्टेपनी स्टील की ही मिल जाएगी, स्टील रिम ही मिल जाएगी आपको, इसमें कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगा और जो टायर साइज है वो R14 का मिलेगा। स्टेपनी निकालनी है ये गाड़ी में से तो आपको जो पीछे के रियर सीट है आपको आगे फोल्ड करने पड़ते हैं और आगे से निकालनी पड़ती है। सो अगर लेडीज लोगों का अगर गाड़ी आपकी वाइफ चला रही है, आपकी सिस्टर चला रही, घर में से कोई लेडीज लोग चला रहे, अगर बीच में गाड़ी कभी कभी एक्सीडेंट होती है तो ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है उन लोगों के लिए क्योंकि टायर आपको आगे से निकलना है। ओके इसमें आपको ग्रैब हैंडल्स दिखने को मिलेंगे, देन पार्सल ट्रे इसमें अवेलेबल है। ओके अब बात करते हैं वैगनर के बारे में। वैगनर का बूट स्पेस बहुत ही बड़ा है, ये आपको पार्सल ट्रे मिल जाता है, यहाँ कोई ग्रैब हैंडल नहीं है और जो सीएनजी के टैंक है वो बहुत ही नीचे है और जो उसकी वजह से आप यहाँ 2 सूटकेस भी आराम से रख सकते हो। सो ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बूट स्पेस मारुति ने वैगनर सीएनजी में दिया है। बात की जाए स्टेपनी की तो स्टेपनी आपको 13 R13 यानी 13 इंच के ही आपको टायर्स मिल जाते हैं और इसकी जो एडवांटेज है वैगनर का ये स्टेपनी आप यहाँ से निकाल सकते हैं कंपेयर टू नियोस को आपको सीट फोल्ड करके स्टेपनी निकालनी है। सो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है वैगनर लोगों के लिए। सो फैमिली मेंबर में अगर लेडीज चला रही है गाड़ी तो आराम से ये स्टेपनी निकाल सकती है। सीएनजी टैंक है वो 60 लीटर का ही है और उसमें लगभग 9 से 10 केजी सीएनजी आपकी गाड़ी में आ जाता है। टैंक है वैगनर में वो भी 60 लीटर का कैपेसिटी का है, उसमें भी लगभग 9 से 10 किलो सीएनजी ये टैंक में आ जाता है। सो दोस्तों जो नियोस है उसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिलते हैं तो ये एक एडेड एडवांटेज है, आपके अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट बैक ये भी आपको ये गाड़ी में ग्रैंड 18 नियोस में मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ये जो गाड़ी है वैगनर उसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलते, बाकी सब आप सीट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जो नियोस ग्रैंड 18 नियोस है उसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाते हैं। सो एक एडेड एडवांटेज है, आपके ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से
आप सीट एडजस्ट कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं ग्रैंड एल्टन नियोस के केबिन में। जो इसका इंटीरियर है वो ड्यूल्टन नहीं, हम इसको थ्री टोन में बोल सकते हैं। लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और ब्लैक मटेरियल का यूज किया है। आपको टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिल जाता है, आपको स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिल जाता है, आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, देन आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है विद इको टेक्नोलॉजी। इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेकिन जो इसको आप इसमें आपको स्पीडोमीटर अलॉन्ग विद आरपीएम मीटर ये गाड़ी में मिल जाता है, वो गाड़ी में वैगनर में आपको आरपीएम मीटर नहीं मिलता। ये गाड़ी में आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी है ना एवरेज फ्यूल कंजम्पशन ग्रैंड एल्टन नियोस में नहीं मिलता, लेकिन वैगनर में आपको वो मिल जाता है। डोर साइड पे जो कंट्रोल्स है वो आपको सारे मिल जाते हैं, पावर विंडोज आगे पीछे के है, देन विंडोज डोर लॉक और अनलॉक का भी बटन मिल जाता है, आपको विंडोज लॉक के लिए भी आपको बटन मिल जाता है। आपके जो विंग मिरर्स है वो एडजस्टेबल है, आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ बटन दिया गया है। देन जो इसका जो एसी है वो ऑटोमेटिक एसी है, और जो वेंट्स है इसके मर्सिडीज स्टाइल है। देन गियर है वो उसके भी थ्रोज अच्छे है, एक्यूरेट है, लेकिन इसमें एक इश्यू है, जो रिवर्स गियर है वो ठीक से गिरता नहीं, एक मेन कंसर्न ये गाड़ी में है, लेकिन वैसा कंसर्न आपको वैगनर में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें आपको क्रोम और ब्लैक एसेंस का वर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ आप दोनों साइड में 1 लीटर बॉटल स्पेस अलॉन्ग विथ बहुत सारी स्पेस मिल जाती है। यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल मिल जाता है स्पेस की, यहाँ आपको स्पेस मिल जाती है, आप मोबाइल रख सकते हैं, आपको वॉलेट रख सकते हैं। जो ग्लो बॉक्स है वो बहुत ही बड़ा है कम्पेयर टू वैगनर, यहाँ भी आप कुछ स्पेस रख सकते हैं। यूएसबी है, सो इसमें एंड्रॉयड ऐड तो एप्पल कारप्ले मिल जाता है, टच स्क्रीन मिल जाता है, उसमें आपको कुछ म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा। इसमें 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट भी आपको मिल जाता है। देन जो ये आपको लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएंगे वाइपर कंट्रोल, राइट साइड में मिल जाएंगे आपको हेडलाइट कंट्रोल्स। इसका भी जो इंटीरियर है बहुत ही अच्छा है, आपको इस पे ज्यादा प्रीमियम फील होगा, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे फीचर्स ये गाड़ी में भर भर के दिए हैं। इसमें भी आपको 2 एयरबैग विद एयरबैग दिए हैं, एबीएस विद ईबीडी, स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको ये भी गाड़ी में मिल जाते हैं। जो इसके जो सीट्स है वो भी कंफर्टेबल है, लेकिन इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और जो हेड का स्पेस है इसमें ठीक ठाक है कंपेयर टू वैगनर। वैगनर में आपको हेड स्पेस ज्यादा मिलेगा, और जो सीट है वो कंफर्टेबल, मैं आपको तो कहूंगा कि वैगनर में आपको ज्यादा है। ये भी कंफर्टेबल है उतने ही, लेकिन जिसकी हाइट मोर देन 5'11" है उसको हेड नेक कुशन लगा के जरूरत पड़ती है, क्योंकि देख सकते हो कि मेरा जो सर है वो सीट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो 5'11" की हाइट है तो उनके लिए वैगनर ज्यादा कंफर्टेबल, वैगनर की सीट्स ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। डेनेट रियर व्यू मिरर आपको ये गाड़ी में मिल जाएगा, इसमें आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, इसमें भी आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, वो गाड़ी में आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता। जो ग्रैंड एल्टन नियोस इंटीरियर का मटेरियल क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन इसकी जो डिजाइन और जो मटेरियल क्वालिटी है कंपेयर टू वैगनर अच्छी है। यह थोड़ा हनीकॉम वर्क किया गया है, और जो जगह जगह पे ब्लैक ग्लॉस ब्लैक ही वर्क किया गया है, उसकी वजह से ये थोड़ा इंटीरियर स्टाइलिश लगता है हमें। और ग्रैंड एल्टन नियोस में डोर हैंडल से वो सिल्वर कलर में दिए गए हैं, और ये लगने में बहुत प्रीमियम लगता है। सो प्रीमियम अगर आपको महसूस करना है इंटीरियर का, तो आप ग्रैंड एल्टन नियोस की तरफ जा सकते हैं वैगनर के बजाय। दोस्तों हम बैठे हैं रियर सीट में, कौन सी गाड़ी में, ग्रैंड एल्टन नियोस में। ये आगे की सीट मेरी हाइट 5'11" के हिसाब से एडजस्ट की गई है, और जो हेड स्पेस है वो ठीक ठाक है कम्पेयर टू वैगनर, वैगनर का ज्यादा है, लेकिन लेग रूम है वो बहुत ही ज्यादा है। और जो इसका एडेड एडवांटेज है ना, वो सीट्स बहुत कंफर्टेबल, बिकॉज यहाँ जो थाई सपोर्ट है वो नियोस में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू वैगनर। सो अगर फैमिली में मॉम डैड बैठ रहे हैं तो उनको नियोस में ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा कंपेयर टू वैगनर। इसमें भी पीछे के एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, लेकिन यहाँ एक एडवांटेज है, रियर को आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, तो उनको भी एसी का मजा या वो भी एसी का लुफ उठा सकती है। एक और एक एडवांटेज है, जो 12 वोल्ट चार्जर का सॉकेट है वो यहाँ भी दिया गया है, सो पीछे बंदे को अगर मोबाइल चार्ज करना है तो वो भी कर सकता है। वो एडजस्ट करने के मतलब पावर विंडोज दिए, मतलब यहाँ बटन है, आप विंडोज आगे ऊपर नीचे कर सकते हो। और ये गाड़ी में आपको ज्यादा सीधन टाइप फीलिंग आएगी कंपेयर टू वैगनर, वैगनर में आपको एसयूवी टाइप फीलिंग आती है। और जो इनसाइड केबिन का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है,
आप बाहर से आपको लगेगा नहीं कि ग्रैंड एटेन नियोस में इतना स्पेस होगा, लेकिन आप जब बैठोगे रियर सीट में तो आपको पता चलेगा कि ग्रैंड एटेन नियोस कंपनी ने बहुत स्पेस निकाला है। तो जो डोर्स है वो भी ड्यूअल टोन है, या आपको दो बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, दो पीछे स्पीकर से आपको वैगनर में स्पीकर्स नहीं मिलते लेकिन बॉटल होल्डर आपको मिल जाएगा। सिल्वर कोम का भी इसमें वर्क किया गया और उसमें आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स वैगनर में आपको देखने को मिल जाएंगे। रीडिंग लैंप है जो बीच में है, जो रूफ है वो लाइट ग्रे कलर में दिया गया है, और बिकॉज ऑफ जो आपके पिलर्स है वो भी लाइट ग्रे में है, सो उसकी वजह से ये गाड़ी थोड़ी प्रीमियम लगती है, और कंपेयर टू दैट कार मुझे बैठने में थोड़ा इसमें अच्छा लगता है क्योंकि सीधा टाइप फीलिंग इसमें आ जाती है। ये गाड़ी में भी आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, तो फिर आपको मॉम डैड या फिर आपके घर में थोड़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनको होल्ड करने के लिए अच्छा महसूस होगा। इंटीरियर में सबसे पहले हम बात करते हैं वैगनर के बारे में। बेसिक इंटीरियर ड्यूअल टोन है, मटेरियल की क्वालिटी ठीक ठाक है। इसमें इसमें आपको रियर व्यू मिरर मिलता है, लेकिन ये डे नाइट नहीं है, सिंपल सा है, आप बाहर से इसे इंस्टॉल करवा सकते हो। जो रूफ है वो आपको लाइट ग्रे में मिल जाएगी, और ये जो पिलर्स है ब्लैक कलर में आपको मिल जाते हैं। जो इसका केबिन है बहुत ही एरी लगता है क्योंकि विंडोज बहुत चौड़े है, विंडशील्ड बहुत बड़ी है, और आप बहुत ऊपर बैठते हो, सो आपका जो कमांडेबल व्यू आपको ये गाड़ी में मिलता है, आपको थोड़ा बहुत एसयूवी चलाने की जैसी आपको फीलिंग आ जाएगी। तो जो इसके जो सीट्स है वो बहुत आरामदायी है, कंफर्टेबल है, बैक सपोर्ट अच्छा है, और जो जिसकी हाइट, मेरी हाइट 5'11" है, फिर भी आप देख सकते हो कि कितना स्पेस है। हेडरूम अच्छा है, लेगरूम इसमें अच्छा है, मैं आपको पीछे के सीट के ऊपर भी जाके आपको स्पेस के बारे में बताने वाला हूँ। जो इस एडजस्टेबल हेडरेस इसको भी नहीं आते, ये फिक्स हेडरेस है, लेकिन जो ये सीट है वो बहुत ऊंचे है, सो जिसकी भी हाइट 5'11" है उसको तकलीफ होने वाली नहीं है। देन इसका जो स्टीयरिंग है वो पकड़ने के लिए अच्छा है, उसका ग्रिप अच्छा है, इसमें कोई भी आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इट्स स्टैंडर्ड एलेक्सा गाड़ी है। इसमें आपने आपको गाइस मैनुअल एसी मिल जाता है, और ये है कुछ इसके नॉब्स जिससे आप एसी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एसी जो मारुति का एसी रहता है बहुत ही बढ़िया रहता है, गाड़ी मारुति और हुंडई दोनों जो कंपनी है वो एसी अपने गाड़ी में अच्छा प्रोवाइड करती है, आपकी गाड़ी इमिडिएटली चिल हो जाती है। ईबीएस एंड ईबीडी आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसमें चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी आपको ये वैगनर में आपको गाड़ी में मिल जाएगा। देन आपको ये हैजार्ड लाइट मिल जाती है, ये लेफ्ट साइड में है वाइपर के कंट्रोल, राइट साइड में है आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल, और जो आपको सेंटर में मिलेगा वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। इसमें आपको एडिशनल जो चीज है डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड एवरेज फ्यूल कंजम्पशन वो आपको ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वैगनर में दिखाई देता है। ओके, विंग मिरर्स आपको हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे, और इसमें आपको कोई भी टच स्क्रीन नहीं है, आपको इसमें स्पीकर्स नहीं है, आपको स्पीकर भी आपको ये गाड़ी में बाहर से डालने पड़ते हैं। स्पेस की बात की जाए तो दोनों साइड में दो बॉटल, 1 लीटर का बॉटल आप रख सकते हैं, यहाँ भी 1 लीटर का बॉटल रख सकते हैं, यहाँ आप कुछ सामान रख सकते हैं। इसमें 12 होल्ड का आपको चार्ज सॉकेट मिल जाता है। अगर आगे की बात की जाए तो डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, और ये कुछ मटेरियल है वो क्वालिटी ठीक ठाक है, हार्ड प्लास्टिक का इसमें यूज किया गया है। जो पावर स्टेयरिंग्स है आपको सिर्फ आगे के दो पावर विंडोज मिलेंगे, पीछे आपको मैन्युअली ही पावर विंडोज मिलने वाले हैं, और जो लॉक है इधर आप और एक बटन मिल जाता है आपको लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए, सो ठीक ठाक है। आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, ये है इसकी रीडिंग लैम्प, और इसमें आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। तो मैं आया हूँ रियर सीट में, और ये वैगनर में हम बैठे हैं। मेरे हाइट के हिसाब से आगे की सीट हमने एडजस्ट की है, आप देख सकते हो कि लेग रूम बहुत बहुत ही बढ़िया है, थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, हेड स्पेस ये देखो कितना बड़ा, मेरी हाइट 5'11" है और फिर भी आप देख सकते हो इतनी जगह ऊपर बैठ रही है, सो बहुत ही कंफर्टेबल लगती है। विंडोज है बहुत बड़े है, और गाड़ी यहाँ से पीछे से बहुत अच्छी लगती है। जो सीट्स है वो कंफर्टेबल है, हाँ ये थोड़ा एडजस्टेबल हेडरेस्ट होते तो और अच्छा होता, ग्रैब हैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे, हाँ ये थोड़ा
ओल्ड एज वाली फीलिंग आती है, आपको हाथ से विंडोज आपको ऊपर करने पड़ते हैं। मटेरियल ठीक ठाक है और 3 लोग आराम से ये गाड़ी में बैठ सकते हैं। सो गाइस, अभी मैंने आपको सारा कंपैरिजन आपको दिखाया है, तो अब बात आती है वर्डिक्ट के बारे में। जो ग्रैंड एटेन नियोस है उसकी ऑन रोड प्राइस है 8,50,000 इन महाराष्ट्र, और जो ग्रैंड वैगनर मारुति सुजुकी वैगनर एलएक्स है सीएनजी जो ऑप्शनल वेरिएंट है उसकी प्राइस ऑन रोड प्राइस है 6,48,000, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख का डिफरेंस है। ओके, ये गाड़ी फीचर लोडेड है और ये गाड़ी में आपको फीचर्स ना के बराबर मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स कॉमन है, और अगर आपको माइलेज की बात करनी है तो ये गाड़ी में आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू दिस गाड़ी। ग्रैंड एटेन नियोस हाईवे के ऊपर ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आपको वैगनर सीएनजी। तो बात आती है कि वो ये दोनों में से गाड़ी कौन सी सिलेक्ट करें। अगर गाइस आपका बजट 6 to 7 lakh है और तभी आप वैगनर सीएनजी के ऊपर चले जाओ, लेकिन आपका बजट एक्सटेंड कर सकते हो 8 lakh 8.5 lakh तो ग्रैंड एटेन नियोस डेफिनेटली ले सकते हो। दूसरी और एक बात, अगर आपको गाड़ी सिर्फ और सिर्फ माइलेज के लिए चाहिए तो आग बंद करके आप ये वैगनर सीएनजी सिलेक्ट करो, क्योंकि ये गाड़ी आपको 35 किलोमीटर का माइलेज देने वाली ऑन हाईवे, और आपको फीचर्स के साथ माइलेज भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आप ग्रैंड एटेन नियोस बिंदा सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों का सर्विस नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है, दोनों कंपनियां बहुत पुरानी है, ग्रैंड जो मारुति सुजुकी है वो सीएनजी की बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है, और जो हुंडई वाले हैं अभी अभी उतरे हैं, तो जो वैगनर में है वो आपको सीएनजी के कम प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, ग्रैंड एटेन में एक हद दूसरा प्रॉब्लम से वो सारे गाड़ियों में नहीं है। तो वर्डिक्ट मेरा यही है, आपको अगर सिर्फ और सिर्फ गाड़ी माइलेज के लिए चाहिए कम बजट में वैगनर सीएनजी आग बंद करके ले लो, और अगर आप माइलेज कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो बजट बढ़ा सकते हो और आपको गाड़ी फीचर लोडेड चाहिए तो आग बंद करके ग्रैंड एटेन नियोस स्पोर्ट सीएनजी को सिलेक्ट कीजिए। इसमें आपको वैगनर वेरिएंट भी ले सकते हैं और इसमें आपको एलएक्स यानी सिंगल एयरबैग भी एयरबैग का भी वेरिएंट अवेलेबल है। तो आपके बजट के हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दोनों गाड़ियों में से कौन सी भी गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो। ये था आज का वीडियो गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे फिट, बाय बाय।